हेलो दोस्तों, मैं हूं सुप्रा और विदेश डॉट इन पे आपका स्वागत। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ताकि ऐसी ही बेहतरीन रेसिपीज हम आपके लिए हमेशा ला सकें। थैंक यू दोस्तों। तो आज हम लोग भिंडी की भुजिया बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है और ये एक साइड डिश भी है जो कि रोटी, राइस, दाल या फिर पूरी के साथ सर्व किया जाता है। और इसे बनाने के लिए हम लोग पहले इसे अच्छे से धो के और उसके बाद हम लोग इसे काट लेंगे। आप इसे जैसे भी चॉप करना चाहें आप कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो रेसिपी होती है ये वेट लॉस की कैटेगरी में भी आती है, क्योंकि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट पड़ते हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं। और जो जैसे तेल मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मस्टर्ड ऑयल, जो कि बेस्ट होता है आपके बॉडी के लिए, तो क्योंकि ये रिफाइंड नहीं होता है। कोई भी अगर आप रिफाइंड ऑयल अपने लाइफ से निकाल दें तो आप का हेल्थ ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। जो बेसिक ऑयल होता है वो ही हमें यूज़ करना चाहिए। और घी का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट होता है। और अब हम लोग यहाँ पे काटेंगे प्याज को। तो प्याज मैंने एक ही पीस यहाँ पे यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा प्याज डालना चाहें तो वैसे डाल सकते हैं, क्योंकि उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने दो हरी मिर्च ली है। ये हरी मिर्च इसलिए ज़्यादा आपको दिख रही है क्योंकि ये लंबी लंबी हरी मिर्च है, तो इसे हम लोग स्लिट कर लेंगे, या फिर आप चाहें तो इसे चॉप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसका अलग से शेप देखना चाहती हूँ अपनी रेसिपी में, क्योंकि भिंडी के साथ ये मिक्स हो जाता है इसलिए। तो उसके बाद हम लोग मस्टर्ड ऑयल लेंगे लगभग एक टेबलस्पून के करीब, और उसे गर्म करेंगे। उसके बाद हम लोग उसमें प्याज डालेंगे और उसे हमें बिल्कुल ट्रांसल्यूसेंट होने तक ही फ्राई करना है। जब भी आपके पास टाइम ना हो और आप थोड़ा सा लोथ फील कर रहे हो तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी रेसिपी है जो कभी भी बनाई जा सकती है। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो और आपको कुछ हेल्दी खाने का मन हो तो ज़रूर इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद स्लिट किया हुआ हरी मिर्च हम लोग डालेंगे। मिर्च को मैं इसलिए पहले डाल रही हूँ क्योंकि इसका तीखापन जो है वो कम हो जाएगा। अगर आप जो हरी मिर्च है अगर उसका आप तीखापन चाहते हैं तो जब आप भिंडी इसमें डालें तभी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास भिंडी है, अब मैं उसे इसमें डालूँगी और उसे हम लोग साथ ही में स्टिर फ्राई करेंगे। और इसमें थोड़ा सा पेशेंस लेके हमें फ्राई करना। अगर आप चाहें तो ढक के पका सकते हैं, लेकिन जब भी कोई रेसिपी आप ढक के पकाते हैं तो उसकी क्रिस्पीनेस और उसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्रिस्पीनेस नहीं रहती है उसमें। और अगर आप इस रेसिपी को खुले में पकाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा क्रिस्पीनेस भी आएगी और कलर भी मेंटेन रहेगा। तो बस हम लोग इसे पकाते जाएंगे। बहुत लोग को बहुत ज़्यादा ही क्रंची वाली पसंद आती है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा तेल की मात्रा बढ़ा दें, क्रंची हो जाएगा अपने आप ही, और फिर जो है रिमूव कर दे तेल को बाद में। अब इसमें हल्दी और नमक डालेंगे, लगभग आधी छोटी चम्मच के करीब हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और आपको जैसा कलर पसंद है आप डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा सा एक खट्टापन आता है इस रेसिपी में। और साथ ही में थोड़ा सा लाल मिर्च अगर डाल दें तो कलर भी अच्छा आ जाएगा, कश्मीरी लाल मिर्च डालें। लेकिन मैं इसे बिल्कुल बेसिक बनाने जा रही हूँ, मैं इसमें कोई भी मसाले ये सब एक्स्ट्रा ऐड नहीं करने जा रही हूँ, क्योंकि ये जो बेसिक ट्रेडिशनल जो स्वाद आता है रेसिपी में वो अलग ही पंच देता है आपके खाने में। तो इसलिए मुझे बिल्कुल ही सिंपल सी रेसिपी पसंद है। अब देखिए इसका कलर कितना अच्छा हो गया है, थोड़ा सा क्रंची भी हो गया है ये। और अगर आप चाहें तो इससे कुछ देर और पका सकते हैं, लेकिन ये देखने में उतना अच्छा नहीं आएगा। तो हम लोग फूड ब्लॉगर हैं तो हमें
रेसिपी का प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे से देखना पड़ता है, उसका कलर और उसको प्रेजेंटेबल बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए मैं अभी इसी स्टेज में स्विच ऑफ कर रही हूँ फ्लेम को और इसे सर्व कर रही हूँ। इसी स्टेज में भी ये बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन थोड़ा सा और क्रंची हो जाएगा तो और टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है, सर्व कीजिए चपाती के साथ या फिर राइस दाल के साथ, तो इसका कॉम्बिनेशन बेजोड़ लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।